ਬਹੁਤਾ ਮਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਚਾਲਿਕਾ ଯେ ତାଙ୍କର ଘରରୁ ଆସିଥିବା କେତେକ ଶିଷ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 8:30-9:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। ତଥାପି ଆମେ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏ ଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରୁ, ତାପରେ ଆମର ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି କୁଞ୍ଜଲତା ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ब्रजभूमि से आए हुए वेणुनाथ कला केंद्र के नृत्य शिल्पियाँ अपने मनोभव को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रही हैं। जिस ब्रजभूमि में श्री कृष्ण की वेणु के नाद सबका मनोहर करती हैं, उसी वृंदावन धाम में स्थित वेणुनाथ कला केंद्र से गुरु प्रताप नारायण एवं श्रीमती कुंजलता मिश्रा के निर्देश के अंतर्गत इस संस्थान के माध्यम से इस नृत्य का देश विदेश में बहुत प्रचार प्रसार हुआ है। श्रीमती कुंजलता मिश्रा को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिस प्रकार ब्रज गौरव, ब्रज शिरोमणि, श्रृंगार मणि, नेशनल स्कॉलरशिप एवं जूनियर फेलोशिप। उन्होंने कार्यक्रमों में उन्होंने प्रस्तुति
Oh,
दिव्यं दीतीय आभरे Tak, 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 tak
Thank you.
को अति सुंदर शब्दों के माध्यम से वर्णन करते हुए श्री उपेंद्र हंस ने भगी नामक भर चंपू का निर्माण किया है। इस चंपू में जिसका हर वाक्य भ अक्षर से प्रारंभ होता है श्री कृष्ण की मनोहारिणी सुंदरता का वर्णन करते हुए एक सखी दूसरी सखी को श्री कृष्ण की विकृतियों को भुजंग के समान बताती है जो सबके चित्त को भ्रम में डाल देता है। वह सखी आगे वर्णन करती है कि जब श्री कृष्ण के कुंडल उनके दोनों गालों को बार बार छूती हैं, तब श्री कृष्ण के लाल कपोल प्रातः काल के लाल सूरज को भी लज्जित कर देते हैं। उनकी अवर्णनीय माधुर्य सभी ब्रज रमणियों का चित्त इस प्रकार से हर लेती है कि वे अपने समस्त व्रत नियम त्याग कर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर लेती हैं श्री कृष्ण को। इस भाव में छंद को प्रस्तुत करेंगी गुरु श्रीमती कुंजलता मिश्र। लेकिन मंच की व्यवस्था के देख के फिर हम लोग यही सोच रहे कि ना करें, लेकिन फिर भी सोलो के हिसाब से जैसे कि हमारे टिपिकल ओडिया बहुत चंपू नाम सुने होंगे कि बहुत चंपू जो है भगवान राधा एंड कृष्णा के प्रेम की लीला तथा उनकी जो भंगी जो है भाव भंगिमा तथा कैसे उनका भंगी होता है, सखी एक दूसरी सखी को बताना करते हैं कि हे सखी देखो हमारे कृष्णा कितना सुंदर है, उनकी जो भंगी उनकी जो मुद्रा है वो कितना मन मोह लेती है। जरा सा एक बार तुम उनको देखो, एक बार टांग को ज्यादा देर तक नहीं टांगना ताकि तुम उनके प्रेम में डूब जाओगे। हे सखी थोड़ा सा जान के फिर तुम चलो अपने काम में। लेकिन एक सखी दूसरी सखी को कृष्ण के वंदना कैसे करते हैं, बहुत जब भंगी चाहारे भंगी चाहारे राधे राधे जुड़ा
Thank you.
नाद कला केंद्र को अशेष धन्यवाद। आम प्राउड कई कुंजलत ओडिया झील भुवनेश्वर आसी वृंदावन गोटे विराट अनुष्ठान कर भारत और भारत बाहर तक विभिन्न बहुत शिक्षा केन्द्र अच्छी ठार बहुत फरेन झील शिक्षा लाभ कर ओडिसी डांस जगत में से जन ख्यातनामा नृत्यशिल्पी अशेष धन्यवाद होमर ये कार्यक्रम पर संबलपुरी कार्यक्रम रही जो भी प्रसाद पाते प्रसाद पातु आपण मैंने उपभोग करूँ बर्तमान आम किसी समय आम चिराजयत प्रथा अनुजाई श्री अभिराम सेसन कलाकार मानक संबर्धित ठाकुर आशीर्वाद पुष्प दे संबर्धित करेणु मो मंच को श्रीमती गुजरता मिश्र एवं तेज प्रूफ अनुरोध कर मंच को आसवे एवं मत प्रिय और भक्ति एक साधना के साथ साथ वो भक्ति को जोड़ रही है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो कहीं बाहर नहीं जाती है केवल भक्ति के दूर होती है। लेकिन वृंदावन में रहकर ओडिसी नृत्य को जगन्नाथ जी को समर्पण संपूर्ण समर्पण कर दी है। चंद्रमुखी और उनके साथ है विष्णु प्रिया, ये विष्णु प्रिया जो है वो भी पूरा आप जानते होंगे हमारे प्रिय राधा रमन लाल की जय बोल दीजिए। जय वंदे बिहारी लाल की, राधा रमन लाल की, राधे राधे। ये हमारे उसी गोस्वामी परिवार की है और पूरा संपूर्ण इसी राधा रमन को ही समर्पण की है ओडिसी नृत्य। ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे मेरे को शिष्य वृंदावन में मिले हैं जो अपने ओडिसी नृत्य को उनके साथ में कुछ समर्पण कर रही हूँ और उनके साथ शेयर कर रही हूँ, शिक्षा भी दे रही हूँ, उड़ीसा के कल्चर को दे रही हूँ। ये मेरा गौरव है। और हमारे सोफिया सिम्हा नादिका वो अभी भी बहुत काफ़ी प्रोग्राम कर चुकी है और वो बेले डांसर के साथ साथ वो ओडिसी नृत्य परफेक्ट ओडिसी नृत्य करती है। आजकल वो शुरू की है, एक साल हो गया है लेकिन काफ़ी अच्छा करती है और इसके लिए वो आज यहाँ पे इसी मंच में उसको मौका मिला है। और वो पूरा कृष्णा डिवोटी है, रशिया से आई हुई है और उसको वेणुनाथ कला केंद्र के माध्यम से इसको स्कॉलरशिप भी मिला है और वेणुनाथ कला केंद्र की तरफ से इसको स्टूडेंट वीज़ा भी मिला है वहाँ वृंदावन में केवल ओडिस सीखने के लिए। धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आज इस मंच में आपसे मंच के माध्यम से आपसे मुलाकात हो जाती है, ये बड़ी और आशीर्वाद से मिल जाती है मेरे को। गोटे आशीर्वाद हरिनारायण दास मोर बहुत प्रिय शेष आज मुख्य शरद भाई को आम ठाकुर।